करिए, थोड़ा दया दिखाइए, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे होंगे। हम लोग सब जने परेशान हैं, दिन भर कुछ नहीं खाए, बस पानी पी पी के रह रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ नहीं। कुछ बच्चे को बस में भर के लेके जा रहे हैं, कुछ को खदेड़ रहे हैं, ये न्याय है क्या? ये SSC GD 2018 के अभ्यर्थी 48 दिनों से पैदल प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। पिछले लगभग 2 सालों से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। परीक्षा के तमाम चरणों को पूरा करने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल रही। वीडियो देखने वालों में से बहुत से लोगों का इन अभ्यर्थियों से कोई रिश्ता होगा नहीं, लेकिन बाल बच्चे तो आपके घर में भी होंगे। बस उसी नजरिए से इनके दर्द को देखिए और सोचिए कि आप इन्हें क्या कहिएगा। देशद्रोही, पूछिए ये सवाल खुद से, क्योंकि सवाल है आपका। आप जो भी कहें, राहुल गांधी और वरुण गांधी ने इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा वो सुनिए। सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वहीं वरुण गांधी ने SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों के लिए जो लिखा वो सुनिए। नागपुर से दिल्ली हाथों में तिरंगा, यह देश के युवा अधिकार मांग रहे हैं। 2018 से संघर्षरत इन युवाओं में से कितनों ने आत्महत्या कर ली, अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कहां? हम अपने ही युवाओं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये वरुण गांधी का ट्वीट है। इन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की कहानी सुनिए। दिल्ली में लगातार लगभग 1.25 साल तक प्रदर्शन करने के बाद SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मार्च 2022 से प्रदर्शन शुरू किया। कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। 4 मई 2022 को रामदास अठावले ने इन्हें आश्वासन देकर इनका आमरण अनशन तोड़वाया, लेकिन उसके बाद क्या? आश्वासन चुनावी जुमला बनकर रह गया। अभ्यर्थियों ने चिट्ठियां लिखी। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई सांसदों, कई अधिकारियों, कई नेताओं को, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर तय किया कि नागपुर से दिल्ली तक पैदल चलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नागपुर के प्रशासन ने मंजूरी दे दी। छात्रों ने यात्रा शुरू की। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचे। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव बनाया यात्रा रोकने के लिए, ढाबों वगैरह के मालिकों को धमकाया कि इन अभ्यर्थियों की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। अभ्यर्थियों ने इस बाबत सोशल मीडिया पर लिखा, जिसके बाद सागर जिले के DM के जरिए मामला सामान्य हुआ। मध्य प्रदेश के बाद झांसी के रास्ते अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में घुसे। यात्रा चल रही थी, चलते चलते आगरा तक पहुंचे। आगरा में प्रशासन ने इन छात्रों पर न केवल दबाव बनाया, बल्कि प्रदर्शन में अधिक मुखर अभ्यर्थियों को डिटेन किया और बाद में छोड़ा। इस दौरान किस लहजे में अभ्यर्थियों से बात की गई होगी आप समझ सकते हैं। अभ्यर्थियों के झंडे, पोस्टर वगैरह छीन लिए गए। बहरहाल वहां से निकलकर अभ्यर्थी मथुरा पहुंचे। मथुरा में फिर से प्रशासन आधमका। प्रशासन ने कहा यात्रा नहीं करने देंगे। अभ्यर्थियों ने पूछा क्यों? अगर कोई परेशानी थी तो जब उत्तर प्रदेश में घुसे तब ही रोक लेते, आखिर क्यों नहीं करने देंगे यात्रा? प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं। अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन में एक मैरिज हॉल में अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था करवाई और बोला कि इसके बाद यात्रा नहीं होगी। बहरहाल SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों की पैदल यात्रा के बाद से बड़े नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नाम शामिल हैं, ने इन अभ्यर्थियों की आवाज उठाई। इसके बाद NSUI ने ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास इन अभ्यर्थियों के साथ मुरैना से लेकर धौलपुर तक पैदल चले भी। युवा किसी पार्टी के नहीं हैं, युवा तो देश भर के हैं, और इनके लिए सबसे ज्यादा अकाउंटेबल और जिम्मेदार कोई है तो वो है सरकार, और सरकार में भी गृह मंत्रालय। लेकिन उस गृह मंत्रालय की तरफ से इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा, ये बड़ा सवाल है। खुद से पूछिएगा।